बाढ़ ने यूपी के कई जिलों में विकराल रूप धारण कर लिया है। हम आपको बाढ़ की तीन तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, अयोध्या, शाहजहांपुर और जालौन में, जहां पर अयोध्या में सरयू नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। पहाड़ी क्षेत्र में हो रही भारी बारिश की वजह से, नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से सरयू का जलस्तर खतरे निशान से 36 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। इससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन निचले इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रहा है। उधर शाहजहांपुर में दियूनी बैराज से पानी छोड़े जाने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पानी भरने से प्रशासन ने नदी किनारे इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया है। उधर बांदा जिले में केन और यमुना नदी के बाढ़ का प्रकोप जारी है। यहां पर पैलानी क्षेत्र का कमासिन रोड पूरी तरह से पानी में डूब गया और इसकी वजह से लगभग 20 गांवों का संपर्क टूट गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आम लोगों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और लोगों ने संपर्क मार्ग में पुल बनाने की मांग की है और इसको लेकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं। प्रकोप जारी है, यहाँ पर भी केन नदी लगातार उफान पर है और खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही है। ये मैं खड़ा हूँ सिंधन कला, एक गाँव है जहाँ से लगभग 12 गांव जोड़ती है। ये सड़क वो है जो जहाँ 12 गांव जोड़ती है, लगातार पूरी तरीके से पानी से भर गई है और यहाँ के गांव के लोग यहाँ से आना जाना इनका बंद हो चुका है। जो एकमात्र साधन है वो है एक नाव, नाव के सहारे यहाँ से लोग गुजरते हैं। कई बार इन्होंने सत्याग्रह किया, जल सत्याग्रह किया और मांग की है कि ये रोड बनाई जाए, लेकिन कोई भी नुमाइंदा अभी तक इनकी बात सुनने नहीं आया है। जिला प्रशासन से लेकर के उच्च अधिकारियों तक और उच्च अधिकारियों से लेकर के शासन तक इन्होंने मांग की है। अब मैं इन्हीं लोगों से बात करूंगा कि सत्याग्रह कर रहे हैं, जल सत्याग्रह कर रहे हैं, लगातार सड़क की मांग कर रहे हैं। क्या है मामला यहाँ पर, क्या मामला है यहाँ का? मामला 20 साल से जो है कानम से परेशान है यहाँ की जनता। यहाँ पे 10-11 गाँव हमारे न्याय पंचायत में हैं, सिंधन कला, लसड़ा, गुड़गवा, तगड़ा डेरा, पंडाउन डेरा और आदि आदि गांव, बरसधरी हो गया, आदरी हो गया, पचकौरी हो गया। यहाँ के बच्चे जो है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर इंटर कॉलेज हैं, बताइए बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए घाटों पर बोट संचालन बंद कर दिया गया है। नाविकों ने बोट संचालन बंद कर दिया है। गंगा एकदम उफान पर है, घाटों पर कई फीट पानी भर गया है। घाट पर बनी दुकानों के अंदर कई फीट पानी भर गया है। शमशान घाट पर भी अंतिम संस्कार के लिए लाइन लग रही है। घाट पर सुरक्षा के मद्देनजर जल पुलिस तैनात की गई है। बारिश के बाद यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के 18 जिलों के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं और बाढ़ का सबसे ज्यादा असर लखीमपुर खीरी में दिखा है। वहां पर 168 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें 22 गांव कटान की चपेट में हैं। 22 गांव में कटान हो रहा है। बहराइच में 25 गांव प्रभावित हैं बाढ़ से, तो फर्रुखाबाद में भी 15 गांव में बाढ़ का असर दिखाई दिया। लगातार हो रही बारिश के बाद यूपी के कई शहरों में नदियों में उफान आया है। लगातार हो रही बरसात की वजह से बहराइच में बहने वाली सरयू नदी भी उफान पर है और उधर लखीमपुर खीरी में शारदा नदी 2 लाख लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। पलिया निघासन तहसीलें पूरी तरीके से टापू बन गई हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान के पार पहुंच गई है और यूपी में बारिश का आफतकाल चल रहा है। लखीमपुर खीरी में बारिश और बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी से शारदा और घाघरा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। बाढ़ का पानी पलिया निघासन तिकुनिया धौरहरा इलाके में 170 से अधिक गांव में जाकर घुस गया है और ऐसे में गांव में लोगों ने छतों पर अपना डेरा जमा लिया है।
कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली और बैलगाड़ी पर अपनी पन्नी डालकर गुजारा करते दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा तबाही शारदा नदी ने मचाई है। यहाँ पर नदी खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसके चलते पलिया तहसील टापू बन गई है। पलिया में 1 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ में टापू में फंसी हुई है। प्रशासन लोगों तक राहत मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सड़क रेल मार्ग से भी कट जाने से लोगों तक ठीक से मदद नहीं पहुंच पा रही है। पानी भी डूब रहा है। इस समय लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील के शारदा पुल के घाट पर मौजूद, आप देख सकते हैं मंदिर है और शारदा नदी उफान के चलते इस समय घाट के किनारे पानी आ गया है, जहाँ पे प्रशासन ने लोगों को नहाने के लिए जगह बनाई थी उसको पार करते हुए पानी लगातार आ गया। आप देख सकते हैं कि जो स्नान करने के लिए प्रशासन की तरफ से जो स्नान घर बनाए गए थे वो भी पानी में डूब गए। कहीं ना कहीं शारदा नदी उफान के चलते आज 5 लाख पानी छोड़ा गया है। पलिया तहसील और निगासन तहसील में इस समय 1 लाख से अधिक की आबादी इस बाढ़ के पानी से जूझ रही है। लगातार पलिया तहसील और निगासन की जो तहसीलें हैं वो टापू बन गई हैं। रोड का और रेल मार्ग सभी कट गए हैं। आप देख सकते हैं जो पुल पे मौजूद है खतरे के निशान से ऊपर शारदा नदी बह रही है। इस समय कहीं ना कहीं जो 1 लाख की आबादी इस समय भारी मुसीबत में रह रही है। मनोज शर्मा, News18 लखीमपुर खीरी। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर चुंगी और ज्ञानसू के बीच बनी ओपन टनल ऊपर भूस्खलन जोन यहां पर सक्रिय हो गया है और इससे सड़क सुरक्षा गैलरी की छत और दीवारों को काफी नुकसान का खतरा बढ़ गया है। वहीं इसके ऊपर बसुंगा से ज्ञानसू के लिए जाने वाली सिंचाई नहर सहित ज्ञानसू सॉल्ट मोटर मार्ग और कुछ भवनों पर भी खतरा बना हुआ है। भूस्खलन करीब 30 से 40 मीटर हिस्से में फैल गया है। भूस्खलन के कारण पूरा मलबा और बोल्डर ओपन टनल की छत और दीवार के पीछे गिर रहे हैं, जो कि भविष्य में टनल के अस्तित्व के साथ ही हाईवे के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। जनपद उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर ओपन टनल 28 करोड़ की लागत से बनी थी, जिसपे अब खतरा मंडराने लगा है। उसकी वजह है कि जब बारिश हुई तो उसके बाद भूस्खलन जोन फिर से एक बार सक्रिय हुआ है। आप देख सकते हो ऊपर से पूरा तरह से मलवा टूट रहा है और सीधे हिट कर रहा है जो ओपन टनल है और पेड़ बड़े बड़े पेड़ भी टूट के इसमें आए हैं। तो कह सकते हैं कि 28 करोड़ से जिस तरह से टनल बनाई गई काफ़ी इम्पोर्टेंट टनल है ये और लाइफलाइन है उत्तरकाशी की और इस पर पूरी तरह से खतरा मंडराया हुआ है। 28 करोड़ की लागत से पहले इस पहाड़ी का जो कार्य था वो कराया गया था तो जो सफल नहीं हो पाया। अब स्थानीय लोग सवाल कर रहे हैं क्योंकि ऊपर बस्ती भी है और बगीचा भी है, अगर इसी तरह से बारिश होती है तो कुछ भवन भी नीचे आ सकती है जिससे जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा जो टनल है जो गंगोत्री हाईवे पे बड़ी टनल कही जाती है 28 करोड़ की लागत से उसको बनाया गया था उस पर भी लगातार खतरा मंडराया हुआ है। जो स्थानीय लोग हैं लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि लगभग 56 करोड़ की लागत से काम हुए और अभी भी जो भूस्खलन जोन है रुका नहीं है, जिससे स्थानीय लोग जल्द मांग कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट कार्य शुरू किया जाए। साथ में जो ऊपर से जो भवन है जो इस मलबे में भूस्खलन में आ सकते हैं, साथ इसके अलावा जो टनल है यहाँ पे ओपन टनल उसको बजाया जा सके। बलबीर परमार, News18 गंगोत्री हाईवे उत्तरकाशी। चमोली में लैंडस्लाइड की ये तस्वीर बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग और गौचर के बीच चटवा पीपल की है। यहाँ पर बार बार पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। हाईवे को तो अब खोल दिया गया है, लेकिन मार्ग पर इन दिनों सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं है। ऊपर से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, नीचे से वहां से गुजर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने मौके पर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया है। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैफिक पुलिस को मौके पर लगा दिया। पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफलाइन ऑल वेदर रोड 3 दिनों से बंद है। बॉर्डर की इस अहम रोड पर चेतुलकोट के पास एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के चलते रोड पूरी तरह जमींदोज हो गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई। 2 जिलों को जोड़ने वाली ये रोड 3 दिन से बंद है, जिसकी वजह से हजारों यात्री जगह जगह पर फंस गए हैं। बॉर्डर के हाईवे को खोलने में प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन इस हाईवे में दर्जनों जगह पर ऐसे ही लैंडस्लाइड हुआ है और पहाड़ी अचानक दरक कर नीचे आ रही है। आया, 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 आया,
रामनगर के चुकम गांव में बारिश से काफी नुकसान हुआ है और तेज बारिश की वजह से 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां पर करीब 15 बीघा जमीन भी कोसी नदी के तेज बहाव में बह गई है। प्रशासन की टीम ने गांव में हुए नुकसान का जायजा लिया। चुकम गांव कोसी नदी के तट पर बना हुआ है और गांव तक पहुंचने के लिए लोगों को कोसी नदी पार करनी होती है। ऐसे में नदी के उफान पर आने से लोग जान जोखिम में डालकर गांव तक पहुंचते हैं। पहाड़ों में तेज बारिश के बाद रामनगर में कोसी नदी उफान पर है। नदी के तेज बहाव से गर्जिया मंदिर की सीढ़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि मंदिर की सीढ़ियां कोसी में बह गई हैं, जिसके बाद मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि पानी कम होने पर मंदिर की सीढ़ियों को ठीक किया जाएगा, उसके बाद मंदिर को भक्तों के लिए खोला जाएगा। आपको बता दें गर्जिया मंदिर में लोगों की काफी आस्था। चमोली में बारिश की वजह से मलारी हाईवे पर सलधार के पास सड़क काफी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी वजह से ऊपर बसे हुए गांव को खतरा पैदा हो गया है। गांव के नीचे से हो रहे भूस्खलन की वजह से समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सड़क बार बार बंद होने से घाटी में जाने वाले लोग काफी परेशान हैं। उत्तरकाशी में बंद यमुनोत्री हाईवे को खोल दिया गया है। राड़ी टॉप के पास बड़े बड़े बोल्डर आने से सड़क बंद थी, जिसकी वजह से यात्री फंसे हुए थे। हाईवे खुलने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हाईवे फिलहाल खुला हुआ है, लेकिन पहाड़ी से भूस्खलन होने का खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि जरा सी बारिश के बाद ही पहाड़ी दरक रही है और मलबा और पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं। पहाड़ों में 3 दिन तक जमकर बारिश हुई, उसके बाद मौसम सुहावना हो गया है। हेमकुंड साहिब की तस्वीर बारिश के बाद सामने आई। चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर जमा है। हालांकि हेमकुंड साहिब में बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद ठंड लौट आई है। तो चमोली की ये खबर, जहां पर बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है, पहाड़ पर बारिश के बाद बर्फबारी शुरू हो गई है और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई है। चमोली की ये खबर, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफी बारिश होने के बाद अब मौसम सुहावना हो गया है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के वीडियो पर कमेंट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोहन सिंह नाम के व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल सूचना विभाग की तरफ से आउटसोर्सिंग पर इस व्यक्ति को रखा गया था। इसके बाद इसके पास डीएम के ट्विटर हैंडल का पासवर्ड था। डीएम नोएडा के हैंडल से उसने टिप्पणी की थी। कमेंट करने के बाद सूचना विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर सेक्टर 20 पुलिस ने आरोपी सोहन सिंह को गिरफ्तार किया। बस